क्या आप क्वेश्चंस को समझ जाते हैं जब भी कोई न्यूमेरिकल आपके पास आता है? तो मैं बताऊंगा, अगर नहीं समझते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है, अगर आप समझते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है, इसकी हम बात करेंगे। क्या आप क्वेश्चंस को समझ जाते हैं जब आपके सामने कोई न्यूमेरिकल आता है? अगर नहीं समझते हैं तो क्या रीजन है, मैं बताऊंगा। ये जो है, हमारे मैक्सिमम बच्चे ये कह रहे हैं कि हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं। तो देखो, अभी फिलहाल कैसा टाइम है, अभी फिलहाल है एकदम एंड का टाइम, तो अभी देखो बिना न्यूमेरिकल्स के तो थोड़ा टफ हो जाएगा, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना, 95, 99, 100 लाना बड़ा टफ हो जाता है अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं समझते तो। अगर आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है तो उसके पीछे मैं आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन दे रहा हूं, बहुत सिंपल सोल्यूशन दे रहा हूं। किसी भी चैप्टर की आप थ्योरी पढ़ो, चैप्टर की थ्योरी पढ़ना है आपको, मैं समझा रहा हूं, वेट करो। किसी भी चैप्टर की थ्योरी पढ़ो बढ़िया से, बहुत दिल से थ्योरी पढ़ो और उसका फॉर्मूला शीट बनाओ तुरंत। मैं बता रहा हूं, सुन लो, अगर आपसे मैं रीजन बता रहा हूं, रीजन आपसे न्यूमेरिकल समझ क्यों नहीं आता है उसके पीछे रीजन बता रहा हूं। आपकी थ्योरी शायद अच्छी क्लियर नहीं है, आपको फॉर्मूला अच्छे से नहीं पता है, और जब आप फॉर्मूला शीट बनाएंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो मुझे पता होना चाहिए कि यहां पर के का मतलब क्या है, क्यू वन का मतलब क्या है, क्यू टू का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है। फॉर्मूले से जुड़ी हुई हर एक चीज की इंफॉर्मेशन आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए, बात समझे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो सबसे पहले आपको चैप्टर की थ्योरी और फॉर्मूला शीट आपके हाथ में होना चाहिए बढ़िया से, और उस फॉर्मूले में किसका क्या मतलब ये पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो आपको क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा, इसके लिए टेक्निक समझा रहा हूं। टेक्निक, आपको कोई भी ऐसी, कोई भी, सुन लो मेरी बात, कोई भी पीयूआईक्यू की बुक लेनी है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, 150-200 का कोई भी पीयूआईक्यू का बुक आएगा, किसी भी कंपनी का लो, किसी ब्रांड का लो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो पीयूआईक्यू की आप बुक लोगे उसके अंदर आंसर्स भी होने चाहिए, आंसर्स। अब आप कैसे काम करेंगे, आप किसी भी न्यूमेरिकल को उठाएंगे और न्यूमेरिकल्स को दो बार पढ़ेंगे, रीड टू टाइम्स, सुन लो मेरी बात, रीड टू टाइम्स, आप उस न्यूमेरिकल को दो बार पढ़ने वाले हैं, रीड टू टाइम्स, और पढ़ने के बाद खुद से ट्राई नहीं करना है, मेरी बात सुन लो, खुद से ट्राई नहीं करना है, बस उसको दो बार पढ़ना है, समझना है, अच्छे से समझना है, और उसके आंसर्स को देखने, आंसर्स को दो बार कम से कम रीड करना है, दो बार रीड करके आपको समझना है, समझना है, और फिर एक एक पेपर लेना है, पेन लेना है, और क्वेश्चन अब पढ़ना है, अब क्वेश्चन को दोबारा दो बार पढ़ना है, अब आंसर नहीं पढ़ना है, अब आंसर खुद से लिखना है, खुद से। ऐसा अगर आप दो तीन चैप्टर में भी कर लेते हो, यकीन मानो आपको क्वेश्चंस तीसरे चैप्टर का, दो चैप्टर में ट्राई करो, आप ये दो चैप्टर में ट्राई करो, तीसरे चैप्टर में अपने आप आपसे न्यूमेरिकल समझ में आएगा और न्यूमेरिकल करने भी लग जाओगे। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आता है तो प्लीज ये तरीका अपनाओ। आपको ऐसे पीवाईक्यू की बुक लेनी है, 150-200 की आती है, जिसमें आंसर्स हो, और क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है, आंसर को दोबारा पढ़ना है, अगली बार क्वेश्चन को पढ़ना है और खुद से समझना है और आंसर खुद से लिखना है।